मैं तब इसके के हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिम आदि जनाब मौलाना सैयद हसन अब्बास साहब का वो दावते स्वागत हूं। वो मैं बड़ा खुश हूं। मैं एक माहौल बना देता हूं, एक बंद करता हूं आज के मंदू के हवाले से। उसके बाद आपके बेहतरीन और बड़े ही अच्छे लब रहते और महंत के मालिक आली जनाब मौलाना सैयद हसन अब्बास साहब होंगे। शायर कहता है कि टकराएगा हसन से कहां कोई बदमज़हब। सुनिएगा इमाम हसन के हवाले से, टकराएगा हसन से कहां कोई बदमज़हब। ये वजह दुल जलाल वो इब्लीस का नसब। टकराएगा हसन से कहां कोई बदमज़हब। ये वजह दुल जलाल वो इब्लीस का नसब। शब्बर कहे कहे कोई फरजंद बिनते शब, तो सहरा से क्या मिले कोई हमालतुल हतब। सहरा से क्या मिले कोई हमालतुल हतब। तो लिखो हसन की शान में, लिखो हसन की शान में मेरी मदार है। बस इतना कह रहा हूँ हसन पे। क्या कह रहे हैं हसन की शान में मेरी मदार है। बस इतना इतना कह रहा हूँ हसन बेमिसाल है। सोहरा का ताज तो सर पे जरूर रखा है। बस इसी शेर के बाद मौलाना को दावत सुना दूंगा। अगर बात सच्ची हो तो दुआओं से लगा दिएगा मुझे कि सोहन का ताज तो सर पे जरूर रखा है। सोहन का ताज तो सर पे जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। मगर खुदा ने बैठा मैं भी सुन रहा था।
तो इतना तो मैंने कहा सकता हूँ कि दिल खान के बैठो मेरी बारी आई। दरिया के इस
मूसा को कहा के पत्थर पे असा मारो, 12 चश्मे जारी हो गए। जनाब मूसा को हुक्म हुआ के दरिया में 12 रास्ते बना दो। पूरी कौम उस 12 रास्ते से 12 कबीले के लोग इधर से उधर चले गए और फिर जान उनकी बच गई। गोया जनाब मूसा अपने इस अमल से हमें यह मुतवज्जे करना चाह रहे हैं कि देखो, अगर इस दुनिया में आपे ख्याल लेना है तो इन्हीं 12 से लेना होगा, अगर दुनिया से जाना है तो फिर इन्हीं 12 के रास्ते। जनाब ईसा कौम बनी इसराइल को जो खुदा ने 12 नकीब और हादी भेजे और कुरान कहता है कि 12 हादी और 12 रहनुमा भेजने के बाद परवरदिगार ने कहा इन्नी माकुम, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाहो इन्नी माकुम, जब वो 12 नकीब और हादी बनी इसराइल ने भेज दिए तो खुदा कुरान में कहता अल्लाह इन्नी माकुम, अल्लाह ने कहा देखो घबराना नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मालूम यह हुआ कि जो 12 के साथ है अल्लाह भी उसी के साथ है। जिसकी आज वो मुबारक तारीख जिसमें हम अपने दोस्त इमाम इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम मनाने लगे, आप तवज्जो फरमाएं कि किस अंदाज से इमाम दुनिया में तशरीफ लाए। रवायत कहती है जनाब मोहम्मद फजल ने आप देखा कि पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा
तो क्या उस
उसके मुस्तकबिल को हम जानते हैं। एक बच्चा याद पैदा हुआ है, क्या हमारे साथ इसका नाम रख दीजिए? हमने कहा इसका नाम रख दीजिए आलिम, पैदा उसका जाहिल, नाम रख दीजिए आलिम। यानी कोई मुनासिबत नहीं है सिफत में, अपने शख्स में कोई मुनासिबत नहीं है, बस नाम रख दिया। बच्चा पैदा हुआ का नाम रख दीजिए आलिम, मतलब जाहिल पैदे हुए नाम आलिम। कहा नाम रख दीजिए, क्या नाम रख दीजिए फाजिल, आगे चल के फजूल हो गए। नाम रख दिया फाजिल, नाम रख दिया के कभी आगे चल के दूर दूर तक कमाल का पता नहीं। यही होता है हम आपसे नाम रखें तो यही होता है। नाम रख दिया कादिर, उनसे बड़ा मजबूर कोई नहीं। तो हम और आप जो नाम रखते हैं तो वो मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं है, उसके किरदार की कि नाम से वो किरदार मुनासिबत रखेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो यही वजह है कि अगर हमने आलिम नाम रख दिया तो कल हमसे आगे कोई नहीं पूछता और आपने नाम आलिम क्यों रखा, वो तो जाहिल है। हुजूर आपने नाम उसका पानी क्यों रखा, वो तो बिल्कुल से हुजूर इंसान। आपने उसका नाम कामिल क्यों रख दिया, वो तो बिल्कुल बेकमाल है, दूर दूर तक कमाल से कोई वास्ता नहीं। नाम कामिल रख दिया उससे बड़ा मजबूत क्यों नहीं। और अगर हमसे कोई कहे मैं ये जो जवाब दूंगा, हमने जो नाम रखा वो हमने अलामत बताई थी, उसको पहचानने का एक जरिया बताया था, हम मुस्तकबिल क्या है हम उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है, हम तो मुस्तकबिल के आलिम है, हम तो आलिम गैब है। लेकिन अहले बैत के घराने में जब नाम खजाने कुदरत से आया, तो अब वहां ये नहीं कहा जा सकता कि खुदा मुस्तकबिल का मादल्ला आलिम नहीं था, ऐसे ही नाम रखते हैं हमारे तमाम जमाना यूसुफ के पैदा के हुजूर में ताकी अदा करना, हम सबको तौफीक अता फरमा के अपने आमाल